So once they know that I got 21 offer, then they switch to 24, and this is the highest one. गुड आफ्टरनून ऑल। आज मैं आपको अपने एक बहुत ही प्यारे छात्र से मिलाने वाला हूं, और आप देख रहे हैं मेरे सामने बैठा है गौरव। गौरव कोलकाता में TCS में जॉब कर रहा है, लेकिन अब ये अपने करियर में एक मूव कर रहा है, करियर में एक चेंज कर रहा है। इसने एक नई कंपनी में की ओर बढ़ रहा है। गौरव, अपने करियर मूव के बारे में बताओ, अपने सिमेज के पढ़ाई के बारे में बताओ। मैं 2013 से 16 बैच में था BCA कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी। कॉलेज टाइम बहुत अच्छा रहा मेरा, काफ़ी कुछ सीखने को मिले मुझे यहाँ से, और एट लास्ट कॉलेज ड्यू टू कॉलेज मुझे TCS में प्लेसमेंट मिले, एंड वहाँ से मैंने अपने करियर की स्टार्ट की, और 5 साल मैंने TCS में काम किया। उसके बाद अब मैं कंपनी को स्विच कर रहा हूँ, और मेरे पास अभी मल्टीपल ऑफर्स हैं अदर कंपनीज, एंड कहाँ कहाँ से ऑफर है, क्या क्या ऑफर बताओ सीक्वेंसली। कॉग्निजेंट से 10.2, देन कैपजेमिनी। कॉग्निजेंट से 10.2 लाख का, ठीक है। कैपजेमिनी 12, कैपजेमिनी से 12 लाख का, तो कॉग्निजेंट कैंसिल हो गया, वो बढ़ता गया। देन सैपियंस 21, सैपियंस इज अ US कंपनी है, हां, सैपियंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दे ऑफर मी 21 आफ्टर दैट 21 लाख, यस, दे ऑफर मी 21, वेरी गुड, बिकॉज़ द For Jorient one, it was a Sapient में अपने यहाँ का student already है। Yes, maybe. Yeah. And after that, because the discussion was going on with Jorient at 18, so once they know that I got 21 offer, then they switched to 24, and this is the highest one. And today again, I have given one interview for the second round of Syngron. So let's see what they will give me. So I hope they offer you even more than that. maybe, because I will counter it through 24, so definitely they will offer little bit more from 24 as well. So. All best wishes for that. Yes, sir. But still, 24 lakh per annum is a good amount. Yes, because considering your modest experience, yes, yes, you have got experience of only 5 years. Yes, sir. And with an undergraduation, you have gone to TCS. Over there, you have done your post graduation. In your company, working in your company on yes. the company's cost, yes. and now you are getting a package of 24 lakh rupees per annum. Yeah, that is enough for me. But you should look for more. No, I'm not looking for more. But the opportunity that is coming, I'm just attending that. This is the main thing. From the interviews, I'm getting lots of things that जो, I have. जो जो संभव है, जो सामने आ रहा है, उसको इनकार भी तो नहीं कर सकते। Exactly sir, वही है कि कोई सामने पड़ी हुई चीज को आप मना नहीं कर सकते। सामने से ऑफर्स आ रहे हैं, कंपनी अच्छी है, इंटरव्यू दीजिए, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, क्वेश्चन सेट्स रेडी होते हैं। ये जो जॉरियंट है, इसमें इसके जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें काम क्या करना है? सीनियर टेस्ट इंजीनियर हूँ। अच्छा, वो रोल मिला है मुझे, ऑटोमेशन टेस्टिंग मेरा स्ट्रीम। क्लाइंट? क्लाइंट मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंक, तो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हां, ये बहुत बड़ी है, तो ड्यू टू क्लाइंट मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इसके लिए, मैं इधर ही मूव करूंगा। लोकेशन दिल्ली दे रहा है? नो, बैंगलोर। बैंगलोर, टू ऑप्शंस थे मेरे पास, मुंबई और बैंगलोर। सो बैंगलोर मुझे बेस्ट लगा। क्यों? मुंबई की ट्रैफिक एंड मुंबई के वो लोकल ट्रेन एंड ऑल से बहुत डर लगता है, वो मुझे इतना पसंद है। एंड बैंगलोर में काफी फ्रेंड्स भी हैं मेरे, और फॉर आईटी प्रोफेशनल तुम्हारे बैच के काफी स्टूडेंट्स हैं बैंगलोर में। हाँ, काफी लोग हैं वहाँ पर, इवन जहाँ मेरा ऑफिस होगा सरजापुर में, वहाँ पर भी काफी। सरजापुर में तो बहुत लोग हैं। हाँ, वहाँ सब सीनियर्स एंड मैं बैंगलोर गया था ऑनलाइन मीटिंग में, तो आधे सीनियर तो उधर में ही है। हाँ, तो इसीलिए मुझे बेस्ट लगा कि मैं वहीं पर, बैंगलोर मुझे बेस्ट लगा, और सारे ऑफर्स मेरे बैंगलोर के, मैंने और कहीं के लिए ट्राई नहीं किया। और तुम्हारे फ्रेंड्स जो थे बैच में, उनमें किससे टच में हो? फ्रेंड्स में मैं आनंद से, विवेक से, दृष्टि, राजीव, पंकज। दृष्टि तो अभी TCS में ही है। हाँ, वो दृष्टि है, वो अभी TCS। उसको अच्छा, लेकिन TCS ने इंक्रीज दिया है। हाँ, उसने लिंक्स क्वालिफाई किया था, तो उसको हाइक मिल गया है अराउंड 100%। वो अपने पापा का स्कूल भी संभाल रही है। हाँ, वो तो मल्टी टैलेंटेड गर्ल है, हमारे बैच की एक अच्छी स्टूडेंट कह सकते हैं हम। इन लोगों से टच में हो। इनके अलावा आशीष लोग भी, आशीष, प्रशांत, प्रशांत ही तो सेवेंट में जॉब कर रहा है। अच्छा, प्रशांत सेवेंट ही रैंक है। हाँ, प्रशांत ने सेवेंट इनकॉर्पोरेशन ज्वाइन किया है। अच्छा, अंकित, पूजा, ये सारे लोग कनेक्टेड हैं।
अभी तक इन लोगों से टच में हूँ मैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक वगैरह पर कनेक्टेड हैं हम लोग, पर मिल नहीं लोग से बात हूँ। चलो तुम लोग सबको मिलने का अवसर दिया जाएगा, जब सिमेंस में एक एलुमनाई मीट बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं, सारे एलुमनाइज को बुलाना है, जब सिमेंस का नया बड़ा कैंपस तैयार हो रहा है वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सिमेंस के पुराने छात्र सब जुड़े और सब लोग आए। और तुम्हारे और क्या प्लान्स हैं फ्यूचर्स के बारे में, मतलब तुम्हें अभी जॉब सेक्टर में रहना है, कोई अपना स्टार्टअप वगैरह सोचते हो, क्या सोचते हो? अभी तो जॉब में ही रहना सर, 45 तो मैं बस 27। ऑन साइट की तैयारी नहीं कर रहे हो? ऑन साइट ऑफर हुई थी मुझे टीसीएस साइट से, बट अच्छा वो सेम प्रोजेक्ट से था और अब सीखना कुछ अलग है तो इसलिए, मतलब तुमने ऑन साइट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमको प्रोजेक्ट अलग स्किल सेट अलग चाहिए था? हां, उसके स्किल सेट अलग चाहिए था, क्योंकि धीरे-धीरे अगर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स में नहीं रहते तो आपकी मार्केट वैल्यू, लेकिन सैलरी तो एनहांसमेंट दे रहा होगा ऑन साइट में, तो वो फिक्स है ना। जैसे कि आप सपोज एक आप सपोर्ट रोल की बात करते हैं, सपोर्ट रोल में एक फिक्स इनकम है कि आप 20 तक ही जा सकते हो, अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग या टेस्टिंग की किसी अदर स्ट्रीम्स में हो। डिजिटल स्ट्रीम में कभी तुमको जाने का मौका नहीं मिल रहा है? डिजिटल तो नहीं, मैं जावा डेवलपमेंट की तरफ ही मूव कर रहा हूं। थैंक यू सो मच गौरव। ओके सर।